विजयदशमी का सही नाम अशोक विजयदशमी है। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि महान सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में विजय होने के 10वें दिन मनाए जाने के कारण इसे अशोक विजयदशमी कहते हैं। इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। विजयदशमी बौद्धों का पवित्र त्यौहार है। ऐतिहासिक सत्यता है कि महाराजा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग करके बुद्ध धर्म अपनाने की घोषणा कर दी थी। बौद्ध बन जाने पर वो बौद्ध स्थलों की यात्राओं पर गए। तथागत भगवान बुद्ध के जीवन को चरितार्थ करने और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए निमित्त हजारों स्तूपों, शिलालेखों, धम्म स्तंभों का निर्माण कराया। सम्राट अशोक के इस धार्मिक परिवर्तन से खुश होकर देश की जनता ने उन सभी स्मारकों को सजाया, संवारा और उस पर दीप उत्सव किया। यह आयोजन हर्षोल्लास के साथ 10 दिनों तक चलता रहा। 10वें दिन सम्राट अशोक ने राज परिवार के साथ पूज्य भंते मोगिगिल लिपुत तिस्से से धम्म दीक्षा ग्रहण की। धम्म दीक्षा के बाद सम्राट अशोक ने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद वो शास्त्रों से नहीं बल्कि शांति और अहिंसा से प्राणी मात्र के दिलों पर विजय प्राप्त करेंगे। इसीलिए संपूर्ण बौद्ध जगत इसे अशोक विजयदशमी के रूप में मनाता है। लेकिन कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने इसे काल्पनिक राम और रावण की विजय बताकर बहुजनों के इस महत्वपूर्ण त्यौहार पर कब्जा कर लिया। जहां तक दशहरी की बात है तो इससे जुड़ा तथ्य ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य की उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। इस समाज ने इस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया। उस साल ये अशोक विजयदशमी का ही दिन था। उन्होंने अशोक शब्द को हटा दिया और जश्न मनाया। इस जश्न में मौर्य वंश के 10 सम्राटों के अलग अलग पुतले न बनाकर एक ही पुतला बनाया और उसके 10 सर बना दिए और उसका दहन किया गया। आपको बता दें, 2500 साल के सम्राट अशोक की विरासत से जोड़ते हुए 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन ही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 5,00,000 लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि विजयदशमी की हकीकत क्या है। जिस विजयदशमी को हम मनाते हैं, आखिर उसका असली इतिहास क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।